कि हमें जिंदगी भर याद नहीं। मशक्कत हमने हमारी दीदी की शादी में भी नहीं की थी भाई, इतने कष्ट करने पड़े ना। दोस्तों यहाँ पे तैयारी चल रही है, तो इतने सारे बैग्स है यहाँ पे, और मैं मेरा फिलहाल लैपटॉप वगैरह सब चीजें रख देता हूँ बैग में। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बताए, चार्जर और लैपटॉप, सारी चीजें एडजस्ट हो जाएगी अगर पुणे में कुछ भूल गए तो। ये चीजें रहनी चाहिए, जितनी काम की चीजें थी उतनी तो ले ली। और यहाँ पे बन रहे गर्मा गर्म पोहे, पायल तो रेडी हो चुकी है, मम्मी और पापा नहीं आ रहे इस बार, मैं सुनील और पायल हम तीनों ही जा रहे हैं। और प्याज गर्म हो रही है क्या, चलो मैं नहा के आता हूँ जल्दी। चलो दोस्तों निकल का टाइम हो गया है, अभी ये बैग्स हम गाड़ी में डाल रहे हैं सब, कितना सारा सामान हो गया देखो, सब सब किराना सब्जियां वब्जियां सब हो गया इसमें। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। फिलहाल अभी हम रेडी हो चुके हैं, अभी सिर्फ नाश्ता करना है और पुणे के लिए निकलना है, तो सब तैयारी हो रही है यहाँ पे, सब बैग्स वैग्स हमने गाड़ी में ऑलरेडी रख दिए है, यहाँ कुछ और चीजें बची है जो हम साथ में रख लेंगे आगे। तो चलिए फटाक से नाश्ता कर लेते हैं, फिर सबके आशीर्वाद लेके निकल जाएंगे, फिर हमें सूरज की शादी भी अटेंड करनी है। रॉकी भाई क्या हाल, यहाँ पे अभी नाश्ता हो रहा है दोस्तों, गर्मा गर्म पोहे, सब लोग नाश्ता कर रहे हैं मम्मी को छोड़ के, क्योंकि मम्मी का आज व्रत है, सोमवार है ना। पुणे निकलने से पहली वाली चाय बन रही है अभी, अभी इसको पी के जाएंगे हम। बैग्स बहुत ही ज्यादा हो गए, आदमी कम बैग। पायल भी रेडी हो चुके हैं। रॉकी ओ भाई आ जा इधर, टायर के नीचे मत आ जाना। सारे लोग बैग कहाँ पे रखने इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे, अपनी अपनी राय दे रहे। गाइस अभी निकलते हैं और अभी लगभग 8 बज रहे हैं, 2-2.5 घंटे लगेंगे हमें सूरज की शादी के लोकेशन तक पहुंचने के लिए। बैठ जाओ, बाय बाय होम, मिलते हैं अगली बार। घर को बाय बाय कर रहे सभी लोग, इधर बाय मम्मी बाय, चलो मिलते हैं अगली ब्लॉग में। बाय बाय। अरे पल्लवी रो रही है, पायल रो रही है, चलो जय श्री राम, चलो सफर शुरू हो गया। ताते मिल गए आप, देख लो गाइस कोई भी हो। गाड़ी में मेकअप चलता ही रहता है हर बार। मैं बैठा बैठा बोर हो रहा था इसलिए मुझे जॉब मिल गई है आईना पकड़। स्ट्रगल इज रियल, गाड़ी में काजल लगाना इज लाइक फ्लाइंग रॉकेट। तो दोस्तों अभी बीच रास्ते में है, यहाँ से 27 किलोमीटर बचा है, और रास्ते भाई इतने गांव जैसे है ना, वो कहाँ रखी है, उस सूरज ने शादी तंग आ गए हम लोग रास्ता ढूंढ ढूंढ के। बैठ जाओ, सुनील को हल्का हो रहा था, चलो अभी। दोस्तों इस गूगल मैप के भरोसे हम ऐसे रास्ते पे आ चुके हैं ना, क्या बताया अभी? इतना गंदा वाला रास्ता, इतना गंदा। मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, इतना गंदा वाला रास्ता मिला है हमें। और कहाँ पे शादी, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा यार, वो गूगल मैप कहीं पे भी दिखता आ रहा है रास्ता। क्या रास्ता ये, क्या रास्ता ये पे ऐसा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, हमें मारो, सीधा मार ही डालो हमें। वैभव ने गाड़ी मेरे हाथ से ले ली भाई, हम पहुंचेंगे नहीं रे अगर तुम चलाओगे तो। ऑफ रोडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, इन्हें भी बनाते समय इतनी ऑफ रोडिंग नहीं की होगी इसकी टेस्ट के लिए, इतनी हमने कर ली अभी तो। पुण्य कर्म किए होंगे भाई पिछले जन्म में, अभी जाना है। अच्छा अच्छा रास्ता लग गया, तो ऐसा लग रहा है रात ही होने वाली है अभी पुणे जाने के लिए, 8-9 बजने वाले फिक्स। गाइस आगे गाई है।
ओ भाई हम लगता है मैडम जी थोड़ा रास्ता दीजिए प्लीज हमें जाना है ओ मैडम जी 100 मीटर्स राइट। दोस्तों हमने लिए हैं कुछ पोंगे, इट्स बॉर्बन टाइम। ये देखो दोस्तों हम पहुंच गए हैं, सूरज और निकिता का पोस्टर लग चुका है भाई इधर। कैसा दिख रहा है सूरज? अरे ये सूरज है क्या? रुको 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 यहाँ पे शादी होने वाली है। पायल किधर जानना पहचान, क्या करेगी अभी पायल? बोर हो जाएगी फिर। अभी हम सब लोग जा रहे हैं नाचने के लिए और हमारे दो तीन दोस्त लोग और आने वाले हैं कॉलेज से। सूरज को अभी आने में टाइम है क्योंकि वो बहुत लोग नाच रहे हैं अभी, तो अभी हम एंटर कर रहे हैं, आगे जाके बैठ जाएंगे और काफी ज्यादा शोर शराबा हो रहा है यहाँ पे। ये है हमारी वहिनी और ये है सूरज। यकीन नहीं हो रहा है भाई इसकी शादी हो रही है। पायल को अकेले बैठना पड़ेगा अभी, यहाँ पे किसी के साथ पहचान नहीं है। दोस्तों ये है मंगेश, ये हम दोनों कॉलेज में साथी थे। तो दोस्तों खाना खा रहे हैं हम लोग, खाने में दाल है, राइस है, दो तीन सब्जियां है भाई खाना। चलो भाई फुल राजा महाराजा जैसी ट्रीटमेंट मिलती है शादी के दिन। हमारा इधर हो चुका है, अभी घर जाने वाले हम लोग, ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। सूरज भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छे से अपना जिंदगी बिता रहा अभी, अभी तो बात पतला होने वाला है तू। चलो भाई शादी हो गई है, सूरज से भी मिल लिए, अभी यहाँ पे रुक के कोई फायदा भी नहीं, वैसे कि वो बहुत बिजी होने वाला है आज का दिन उसके लिए, तो हम उसको मिल के अभी निकल रहे हैं सीधा घर। अभी सबसे बड़ा चैलेंज है गाड़ी निकालना, इधर बहुत वेट करनी पड़ रही है, गाड़ी निकालने कोई जगह नहीं है, ऐसी पार्किंग लगा के रखी है इधर। फाइनली बड़ी मशक्कत के बाद इधर आ चुकी है गाड़ी, और भी गाड़ी निकालने का काम चल ही रहा है। हमारे सब्सक्राइबर मिल गए यहाँ पे, अक्षय बिरदौड़े, सूरज के भाई साहब है ये। हाँ इन्होंने पहचान लिया था हमें। चलो मेटून बरौड़ी, हाँ खाना वाना खाया भाई, यादगार शादी है ये, हमें जिंदगी भर याद नहीं। मशक्कत हमने हमारी दीदी की शादी में भी नहीं की थी भाई, इतने कष्ट करने पड़े ना भाई, माता तो घाम घाम जाला, पसीना पसीना हो गए, मतलब जो शादी के एंजॉयमेंट भी एंजॉयमेंट थी ना वो भी मिस हो गया हमसे। मुझे तो बहुत मस्त लगा भाई, मैं ड्राइवर था मुझे।
इसको तो ये शातिर आदमी है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ से निकल चुके हैं। सबसे ज्यादा बोर पायल हुई है हम सबकी, तो पहचान थी सूरज के साथ, उसके भाई लोगों के साथ, चलो दोस्तों के साथ शादी चल रही है। चलो अरे भाई नहीं 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 चाहिए, नहीं 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 एंजॉय 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 गाइस। तो जाते जाते इधर रुके, कुछ मौसमी खरीदते हैं अभी हम लोग, फ्रेश फ्रेश डायरेक्ट खेत से। दोस्तों अभी हमें नगर में, और यहाँ से लगभग 122 किलोमीटर दिखा रहा है, अराउंड 3 आवर्स लग जाएंगे आई थिंक। और पीछे देख सकते हो सुनील और पायल दोनों सो गए। पानी मार दो क्या। तो अभी हम अहमदनगर से जा रहे हैं, और यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो जो मतलब स्ट्रगल किया है मराठा साम्राज्य स्थापन करने के लिए, उसके लिए यहाँ पे ड्रॉइंग्स बनाए गए हैं यहाँ पे पिलर्स पे। दोस्तों अपना इधर होटल है, होटल स्वप्निल परमिट रूम एंड बार। हाँ दोस्तों फिलहाल नगर के आ गए हम लोग, हमने पानी ले लिया है और कुछ जूस वगैरह ले लिया है। तो अभी हम रुके हैं राहुल वड़े वाले में, हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं, अपना चाय टाइम हो गया है दोस्तों, तो चाय तो पीनी पड़ेगी ना, 5 मिनट लगेंगे। दोस्तों फर्स्ट टाइम हम पुणे आ रहे हैं हमारी खुद की कार से, तो अलग ही एक्सपीरियंस है। हम थोड़ी गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, हमें वैभव को अच्छी गाड़ी चलानी आती है, अल्ट्रा प्रो मैक्स है, प्रो मैक्स, और सुनील थोड़ा सा सीख रहा है उसको, मतलब आती है पर वो ज़्यादा रफ चला रहे। फाइल कैसा लगा गाड़ी में? अभी नेक्स्ट टाइम शायद से हम में से हम दोनों में से एक को ही चला के लेके जानी पड़ेगी। ये तो अच्छा हुआ कि ये तो लकीली आ गया आज, ये तो कल जाने वाले था पर हमने बोला हमारे साथ चलते। गर्मा गर्म वड़ा पाव हाजिर है दोस्तों, खा लेते हैं, कैसी टेस्ट देखते हैं, कैसा हो रहा है पायल सुनील और एक और एक। चलो दोस्तों अभी निकलते हैं सीधा पुणे, यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर है अभी, आई होप जल्दी पहुंच जाएंगे। मम्मी का कॉल आ रहा है अभी दोस्तों, मम्मी अपनी पूछ रही है गाड़ी कौन चला रहा है, ट्रैफिक है, गाड़ी कौन चला रहा है, नहीं है ना, तो मम्मी खुश है। तो वही वो के हाथ में गाड़ी दे दी हम लोगों ने। हाँ। वैसे मैं चला लेता हूँ ठीक ठाक, अच्छी चला लेता दादा ले, ले सक लेके जा सकता है तो आराम से चला सकता है, बट तुझे क्या है जो घर वाले ने ना तुझे मतलब प्रेशर डाल रहे जब ड्राइव करता था, कॉन्फिडेंस नहीं ले, कॉन्फिडेंस खींच लेते घर वाले। तो दोस्तों अभी हम रुके खाना खाने के लिए, फिर से हम सेम होटल में खाना खाने के लिए आ गए हैं, और आज हमारे साथ है वैभव, इनका भी एक ब्लॉग चैनल है वैभव यादव ब्लॉग्स, तो ये भी ब्लॉग्स करते हैं। डिनर हो चुका है, अभी सीधा घर जाएंगे, काफ़ी टाइम हो गया और बोर भी बहुत हो गए, बदन दर्द हो रहा है, सब लोग थक गए, पायल भी थक गई है, बहुत ज्यादा थक गए सब लोग। सफेद लाइटिंग है भाई, माल फिरन की भी रहे भाई, चलो लाइटिंग बाद में देखते हैं, चलो बैठो। दोस्तों सोसाइटी में तो पहुंच गए हैं, पर गाड़ी पार्किंग करने के लिए ना ये गाड़ियाँ निकालनी पड़ेगी हमें हमारी, और दोस्तों गाड़ी पे इतनी धूल है ना, ये देखो इतनी धूल है ना, क्या बताऊं मैं आप लोगों को। दिवाली की छुट्टी लेके हम लोग घर, सब बोरिया बिस्तर लेके आ गए, और बाकी तो कार में ही छोड़ के आ गए। तो भाई दरवाजा, तो दोस्तों फाइनली पुणे पहुंच चुके हैं और सभी लोग सेटल डाउन हो रहे हैं, सुनील मम्मी से बात कर रहा है, वो कपड़े बदल रहा है, पायल घर से लाई हुई सब्जियों को फ्रिज में रख रही है। आई थिंक इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग्स, बाय बाय। देखो दोस्तों क्या करना पड़ रहा है,
रास्ते के ऊपर जब झाड़ियां है उनको बाजू करना पड़ रहा है। ओ भाई सूरज की शादी पागल कहां पे आ गए आप लोग। Silhouettes of you are like a taunt.